वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मसूरी में परिवार संग घूम रहे रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बात्रा की पुलिस के साथ मार्च को लेकर नोकझोंक हो गई थी, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस का आरोप है कि वे माल रोड पर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें मास्क नहीं पहनने पर टोका तो वह उनसे उलझ गए। सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक पैसे फेंक कर जा रहे हैं और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने का काम कर रहा है। वायरल हुए इस वीडियो को आप एक बार देखिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। ये कौन चिल्ला रहा है अब? है? नाम बताना। कौन चिल्ला रहा है? भाई साहब नहीं, भाई साहब सारी बातें सही है, ठीक है, अप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, क्या आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है, 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे। सुनो भाई साहब, 500 का होगा तभी तो जाऊंगा। सुनो सुनो, ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे? एक कोई बात नहीं, मैं पर ये कौन चिल्ला रहा है अब? है? नाम बताना। कौन चिल्ला रहा है? क्या नाम है? वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा अब उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। विधायक ने इस घटना के बाद दरोगा को आज ट्रांसफर करा दिया। दरोगा नीरज कैथत के ट्रांसफर के बाद मसूरी में मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को SDM मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। इस दौरान नीरज कठायत का तत्काल ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा SDM कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार और BJP विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है, 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक पुलिस ऑफिसर को ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा दी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके की कार्रवाई सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों पर की जाती रही तो पुलिस का मनोबल भी टूटेगा और कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। जिसके बाद यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर आ गया है। तो ये थी विधायक और दरोगा के नोकझोंक पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। सुनो भाई साहब, 500 का होगा तभी तो जाऊंगा। क्या नाम है?